एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस। दोस्तों आज जो है मैं आपके साथ नवमी का पूजन शेयर करने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था, सबको चिंता हो रही थी कि पता नहीं मैं नवमी का वीडियो शेयर करूँगी कि नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले साल शायद शरद की नवरात्रि में वीडियो नहीं आ पाया था, मैं किसी काम में व्यस्त थी उस वजह से वीडियो नहीं आ पाया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मंदिर का ही व्यू दे देती हूँ, और आप देख रहे होंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दें। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या नवरात्रि में आप देवी जी को हिला देती हैं, जो पुरानी माला पहनाती हैं क्या उसे निकाल देती हैं? नहीं। तो जैसे मैंने नवरात्रि की फर्स्ट जो माला पहनाई थी गेंदे की, देखिए वो अभी चढ़ी हुई, क्योंकि अगर अब मैं उसे निकालती तो फिर मुझे चुन्नी हटानी पड़ती और फिर वो सूखे फूल थे कहीं ना कहीं फंस जाते, तो विग्रह जो है वो हिल जाते, तो वो एज इट इज वैसे ही चढ़ी रहती है। ऊपर से हमने आज चूंकि नवमी की हम पूजा कर रहे, तो एक नई माला हमने फिर से जो है वो चढ़ा दिए। सो इस वीडियो का पर्पज ये रहता है ताकि मैं धीरे धीरे आपको सारी चीजें ऐसी में समझा दूं, तो जो वीडियो उतने आप पूरा देखेंगे ना तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। जैसे पारण को लेकर बड़ा कंफ्यूजन था, मैंने आपको बताया था कि जिनके अष्टमी पुष्टी है वो नवमी की सुबह में पारण करते हैं, जो नवमी की पूजा करते हैं वो दशमी की सुबह पारण करते हैं, और उसी हिसाब से जो है वो विसर्जन भी होता है। सो इसके लिए बार बार बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, और अब हम आपको अपनी जयंती के दर्शन करा दें। सो इसके लिए बहुत सारे कमेंट है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारी जयंती आई है, काफी बड़ी है। और हमने इसके साथ साथ आपको याद हो शतनजा भी बोया था, लेकिन वो नहीं आया। नहीं आया का मतलब उगा ही नहीं, मैंने उसको बाहर भी थोड़ा सा डाला था लेकिन वो निकला नहीं, चूंकि वो पैकेट में रखते हैं संभाल के, काफी सारी दवाइयां पड़ी रहती हैं, हो सकता है इस वजह से। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो हमारे चैनल पर पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे या नए सदस्य जुड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि कलश तो नजर ही नहीं आ रहा है, हल्का हल्का सा दिख रहा है, बिल्कुल माइनर सा मेजर सा। तो बता दूं मैं कि हम एडिटिंग नहीं करते, हमारी वीडियो में जो है एडिटिंग नहीं होती है। तो जो मैं आपको जयंती दिखा रही हूँ एक्चुअल ये यही है, और एक्चुअल ये यही ग्रीन कलर है। तो ना तो नीचे की तरफ सफेद है ना ही ऊपर की तरफ पीली है, नीचे से ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो एक ही टोन है जो है कि ग्रीन। एक साल मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये मेरे चैनल साथ शुरू कर लिया था या नहीं किया तो मुझे याद नहीं आ रहा, तो तब मैंने जयंती बोई थी, तो बाहर से तो बहुत अच्छी दिख रही थी हरी हरी, और नीचे थोड़ी सी पीली थी, लेकिन जब मैंने कलश हटाया तो अंदर पूरी की पूरी सफेद थी। तो इनका क्या अर्थ है, मैंने इस पे वीडियो डाली, आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो जरूर वॉच कर लीजिएगा। लेकिन इस समय जो कलर देख रहे हैं ना, वो कलर देख के मैं बहुत खुश हूँ तो बहुत अच्छा कलर आया है ये, और कलर से बहुत सारी चीजें तय होती हैं, तो वो मैंने वीडियो अलग से बनाई हूँ, उसे आप वॉच कर लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए तो मैं नवमी का पूजन शुरू करके आपको जो है वो दिखा देती हूँ कि कैसे हम नवमी का पूजन करते हैं, और इसके बाद हम जो है वो हवन करेंगे, और हवन के बाद हम आरती करेंगे, और आरती के बाद देवी जी का विग्रह हल्का सा हिला देंगे, ये जो विसर्जन का सामान है सबको थोड़ा थोड़ा हिला देंगे, और देवी जी की जो है कर देंगे विदाई, अगले दिन सुबह जो है वो हम पारण करेंगे। ठीक है तो शुरू करिए। तो कैसे कैसे किस किस के व्रत गए जरूर बताइएगा। मेरे व्रत तो बहुत अच्छे गए हैं, लेकिन काफी भागदौड़ थी इस बीच, इस समय थोड़ी सी व्यस्तता मेरी बड़ी हुई थी, तो भागदौड़ बहुत सारी थी। तो तो मैं सबसे सारे लोग बोल रहे थे दीदी आप पूजा क्यों नहीं करती हैं, जीजा जी क्यों करते हैं, जीजा जी इसलिए करते हैं कि मैं बैठ के देखती रहती हूँ चीजें, मुझे वीडियो भी शूट करनी होती है, और मैं करूँ या जीजा जी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, कोई हम लोग अलग से नहीं आए हैं, दोनों एक ही हैं, तो कोई भी कर लेता है। बगैर कि मैं पीछे से बीच बीच में टच करती रहती हूँ तो मेरी पूजा भी लग जाती है ना, तो इसमें बहुत वैसा मतलब माइंड करने वाली बात नहीं है कि मैं नहीं करती, नहीं मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। पहले दिन क्या दूं, पहले दिन और आखिरी दिन जो है वो मैं इनसे ही पूजा करवाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, ऐसा ना हो कि आधी चीजें मैं चढ़ाऊं और आधी चीजें जो है वो ये चढ़ाएं और उसमें जो है वो कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं चाहती। तो चंदन लगा दिया है, चूंकि नवमी का पूजन भी है, चाहे जो भी पूजन हो, चाहे नवरात्रि के प्रतिदिन नौ दिन का पूजन हो, गणेश जी के साथ ही हम पूजन को शुरू करते हैं। ये वस्त्र रूपी हमने कलावा चढ़ाया, और इसके बाद जो है वो हम जनेऊ चढ़ाएंगे। और किसी ने मुझसे पूछा था दीदी जो जनेऊ हम चढ़ाते हैं क्या उसको उसी दिन हटा लेते हैं, नहीं वो पूरे नौ दिन रहती है, और मतलब जो सामग्री हम प्रतिदिन चढ़ाते हैं उसे हम हटाते नहीं है, एज इट इज वैसी ही रहती है, फिर हम नवमी वाले दिन जो है वो दूसरी सामग्री चढ़ा के तब हटाते हैं, है ना। तो अब ये सब विसर्जन के साथ ही हटेगा, तो जो आपने देखा पहले दिन जो जैसा चढ़ा था एज इट इज वो वैसा ही चढ़ा हुआ है। तो ये जो है वो गणेश जी की आरती है,
हाथ धो लें उसी में से। तो इस तरीके से जब भी आप आरती करें हाथों को जरूर एक बार शुद्ध कर लें। तो देखिए गणेश जी का हमने पूजन कर लिया है, अब हम पूजन कैसे शुरू करेंगे, जैसे हमने पहले दिन शुरू किया था, पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद हम कलश की स्थापना करते हैं, जयंती बोते हैं, नवग्रह का पूजन करते हैं, ज्योत का पूजन करते हैं। तो सीक्वेंस में पूजा जैसे हमने पहले दिन की थी आज भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्वार का स्नान कराएंगे, करा दें स्नान कराएं, सींच दें अच्छे से थोड़ा सा, बस कर बस कर बस करें। एक्चुअली स्टील का लोटा ना तो उसमें वो आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा अजीब सा हो जाता है वो। तो स्नान हो गया, उसके बाद हम जो है वो कहाँ है ये नहीं, उस तरफ आ जाएं, वहाँ से ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम कलश का पूजन बिल्कुल विधान के साथ जैसे हमने पहले दिन किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और सबसे पहले हम कलश पे जो है वो चंदन वगैरह लगाएंगे, थोड़ा सा इन पे जयंती पे कुमकुम लगा दीजिएगा ना, चंदन कुमकुम, और बहुत प्यारा कलर है। एक्चुअली जो कलर आप देख रहे हैं ना यही ग्रीन कलर है, और अभी मैं क्लोजअप से आपको दिखा रही हूँ, नीचे से ऊपर तक जो कलर देख रहे हैं ऐसा कहीं कोई एडिटिंग नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और ये कलर बहुत प्यारा है, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये अच्छा चढ़ाएंगे, इसके बाद हम पुष्प चढ़ाएंगे, कलश पर वस्त्र रूपी का लावा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, नहीं नहीं चढ़ाते, इसके बाद जो हमारी जयंती थोड़ा ढीला सा बांधिएगा, बस हल्का सा लपेट दीजिएगा, कस मत दीजिएगा, घुमाइए तीन बार, ये बनना होता ना। कसिएगा नहीं, बस लपेटते जाइएगा, लीजिए और लीजिए, छोड़ दीजिए भाई जमीन में, हाँ ऐसे। और अब भी कुछ कुछ जनेऊ जो है वो जयंती जो है वो निकल रही हैं, जो बहुत छोटी छोटी से आप देखेंगे ना तो दिखाई देंगे। इसके बाद क्या दें हम आपको, पुष्प माला चढ़ा दीजिए, ऐसे यहाँ से चढ़ाइए, ऐसे सामने से हल्का सा कलश पर रखते हुए फिर चढ़ा दीजिए, हाँ ऐसे, बस बस बस, बहुत सुंदर। धूप दीपक ये ना पुष्प चढ़ा दिए तो कितना सुंदर लग रहा है, ये येलो रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद जो है हम ज्योत का पूजन करेंगे, हाँ हाँ धो लीजिए, और अब मैं आपको जो है वो ज्योत का पूजन दिखा दूंगी। बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं दीदी देखिए केस कैसा एकदम से काला हो गया धुएं से, और बढ़िया से 9 दिन बीत गए, बढ़िया से दीपक जला हमारा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर और जो है वो हवन कर लें, तब तक का ध्यान रखना है और फिर ये जिम्मेदारी जो है वो यहीं पूरी हो जाएगी। तो मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दीदी आपको पूजा करते देखते देखते हम लोगों की कुछ गलतियां होती थी वो अब ठीक हो गई हैं, हम लोग नहीं करते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे कि चलिए कम से कम आप लोग कुछ मैं कुछ बता पा रही हूँ, कुछ सिखा पा रही हूँ, मुझे जान के बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, आपको कुछ ऐसा था जो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था अब हुआ है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, उससे जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने स्नान कराया, अक्षत चढ़ाए, हम चंदन लगाएंगे और जो है वो इस तरीके से कुमकुम लगाएंगे, ठीक है, वो वस्त्र रूपी जो है वो कलावा चढ़ा देंगे, और कायदे से काला हो गया, सो डोंट वरी साफ हो जाएगा, कोई बहुत वो नहीं है इसमें कि नहीं है, साफ नहीं हो पाएंगे। और क्या चाहिए आपको, नहीं नीचे प्लेट में रख दीजिएगा, चाहे तो चढ़ा दीजिएगा थोड़ी देर बाद, ठीक नहीं है,
क्या चाहिए? तो ये जो है, हाँ दोनों, तो ये जो है हमने जो पूजा पहले दिन से शुरू की थी वो मैंने आपको दिखा दी, और अब हम करेंगे देवी जी का पूजन। अभी नहीं, पहले देवी जी का पूजन करेंगे, फिर हनुमान जी का पूजन, और फिर नवग्रहों का पूजन कर देंगे। तो आइए, तो सबसे पहले देखिए हमारी देवी जी कितनी प्यारी लग रही है। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉमेंट आया था, दीदी इस बार चेहरा कुछ ज्यादा ही भरा भरा लग रहा है। हाँ, इसी में मुझे भी ऐसा लगा, और इनफैक्ट पहले मुझे लग रहा था ऐसा तो नहीं कोई दिमाग में जो है वो होते ना बहुत सारे कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, वैसा कुछ है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस किया तो वो कह रहे थे नहीं ऐसा वाकई है, तो अच्छा लगा। अच्छा लगा जानकर। और करा दे स्नान, करा दे। तो अब हम जो है वो देवी जी का स्नान कराएंगे, और तीनों देवी जियों का स्नान कराएंगे, माँ दुर्गा का और पार्वती जी का। अब किसी का बस कमेंट है, दीदी छोटी छोटी चूड़ी आपने कहाँ से ली? मीशो से लिया मैंने भाई, वहां का कोड शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाती है। ये देखिए सरस्वती जी का भी स्नान हो गया है, और इसके बाद रुक जाऊंगा। तो मैंने कैमरे को ठीक से जूम कर दिया ताकि आपको टीवी तीनों देवी जी जो है वो एक साथ जो है वो नजर आ जाए। बेटिया आ जाओ, तुम यहाँ से फूल चढ़ा देना ना, वहां से फूल नहीं चढ़ा पाओगी। ये लो माला तो चढ़ा ही दिया। और जो आप फूल देख रहे हैं ना गुड़हल के व्हाइट वाले, यहाँ पर नीचे रेड वाला और पिंक वाला, जो पिंक वाला तो आर्टिफिशियल फूल से बिल्कुल मैच कर रहा है, बहुत सुंदर फूल है, और ये अपने ही गार्डन के तो बहुत अच्छा लगता है। चढ़ाए ऐसे साइड से आके फूल तुम भी चढ़ा देना, फूल चढ़ा दे, एक दो फूल उनको दे दे। और देखिए गुड़हल का फूल ऑरेंज कलर का भी रखा है पार्वती जी के पास, जो कि बहुत सुंदर है। थोड़ा सा बचा लीजिए, भी नीचे जगाना है ना। ये लीजिए वस्त्र रूपी कलावा। दे रहे ना हम, आप लगाए तो ये ले। बेटी आप वहाँ से चढ़ा दें, वो चढ़ा नहीं पाएंगे ना, वहाँ से चढ़ा देंगे। ये लो, तो ये हमने वस्त्र चढ़ा दिया, श्रृंगार की सामग्री। पहले श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, उसके बाद दिखाएंगे ना, फूल डाल दो उसमें। और इसी में जो है हमने इस तरीके से जो है वो श्रृंगार सामग्री तैयार कर दी, इसमें लाल पीला और सफेद कपड़ा भी रख दिया है, और सारी सामग्री इसी में है, पुष्प डाल दी। पूजा की सामग्री कभी खाली नहीं चढ़ाई जाती, तो इस तरीके से दिखा के तभी चढ़ाए। यहाँ धूप दीपक, हाँ सब। तो इसके बाद जो है जैसे कि हमने देवी जी का पूजन कर लिया है, और अब जो है इधर आ गए हम हनुमान जी का पूजन करेंगे, और उसके बाद जो है नीचे नवग्रह रखे हुए हैं, नवग्रहों का पूजन करेंगे, और बिल्कुल सेम विधि के साथ। तो देवी जी का पूजन करके ही हम हनुमान जी का पूजन करते हैं। और देखिए हनुमान जी के ठीक बगल में हमारा संकल्प जो है बिल्कुल वैसा ही रखा जैसा रखा हुआ था। तो हवन वगैरह जब हम कर लेंगे ना, और जब विसर्जन की तरफ बढ़ेंगे, तब हम अपने संकल्प को जो है वो खोल देंगे। चलो वो हम चढ़ा देंगे, लाल चंदन लगा देंगे, क्योंकि सिंदूर हम बाद में चढ़ा देंगे। बस अब क्या चाहिए आपको? अच्छा।
ये रूपी के अलावा और किसी के मेरे पास कमेंट आया था दीदी हमारे है ना पीली जनेऊ नहीं मिलती तो हम क्या करें, अगर सफेद मिलती है तो हल्दी में उसको रंग लीजिए वो पीली ही हो जाती है। और ये जो है हम जनेऊ चढ़ाएंगे और जो है वो धूप दीपक दिखाएंगे। हाँ साफ करिए हो गया। अब नवग्रह का पूजन जो है नवग्रह का पूजन करेंगे हम। और नवग्रह देखिए खूब बढ़िया से लाल हो गए पूरे 9 दिन इतना चंदन कुमकुम लग जाता है ना वो तो अच्छा ऊपर से शीशा लमड़ा हुआ है ना तो वो दिक्कत नहीं होती है। हो गया और अब चंदन लो दीजिए आप चलाए चंदन लगाए ऊपर से शुरू करिएगा ना। बस कहाँ गया ये साइड में क्या दे रही हाँ दे रही दे रही हूँ खुल गया और ये जो है इसी तरीके से हम जो है इनका पूजन करेंगे। धूप दीपक दिखा दे हाँ शुद्ध कर लो और ऐसे ही जैसे चूंकि अब हमने ये मंदिर में पूजा जो है वो पूर्ण कर ली है भोग प्रसाद चढ़ाने को भी रह गया है वो हम चढ़ाएंगे। और नवमी के जो पूजा होती है वो सबके अलग होती है तो अभी चूंकि हमने पाठ का भी संकल्प लिया था तो इस तरीके से हम जो दुर्गा सप्तशती हैं उनको भी स्नान करा के और प्रॉपर उनका भी जो है वो वैसे ही पूजन करेंगे। सो चूंकि पाठ का संकल्प मैंने लिया था मैं ही पाठ करती हूँ तो बस इसी विधि से जो है वो जैसे हम सारी विधि से स्नान वगैरह करवाते हैं उसी विधि से जो है वो दुर्गा सप्तशती का भी स्नान करा देंगे और उसके बाद जो है फिर हम बढ़ेंगे आगे के प्रोसेस में। कुमकुम चंदन का या आवाज सुन ले और जो है इस तरीके से हम अक्षत लगा देंगे कलावा फिर चढ़ा दें इस तरीके से जो है वो हम पुष्प चढ़ा देंगे और वस्त्र रूपी कलावा कर देंगे। और ये जो है तो मेरे पास किसी कमेंट आया था कि दीदी ये हम बार बार धूप दीपक क्यों दिखाते हैं कि बार क्यों नहीं दिखाते। जब भी हम भगवान का पूजन कर रहे होते हैं जैसे कि स्नान
कुमकुम चंदन अक्षत वस्त्र रूपी कलावा वस्त्र श्रृंगार इन सब चढ़ाने के बाद हमें मेजर आरती करनी ही होती है। तो पूरी आरती तो हम नहीं गा सकते, तो जब हम किसी पूजा में 5 बार दीपक दिखा देते हैं उसे आरती ही माना जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक देवी देवता की पूजा में 5 बार जो है वो धूप दीपक दिखाना ही होता है। तो ये कोई वो नहीं है कि नहीं हमें नहीं करना है या ये कंपलसरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब जो नियम है तो नियम के अनुसार जो चीज़ें होती हैं वो हमें करनी ही होती हैं। तो अब मैं आपको भोग प्रसाद दिखा दूँ कि भोग प्रसाद में क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हमारे कुल का प्रसाद होता है जो हम लगाते हैं, तो ये सब जगह अलग अलग वो है परंपरा, हमारे यहाँ यही परंपरा है। तो ये देखें, और इस पर एक बार मेरी बहुत बहस भी हुई थी किसी से वो वीडियो अपलोड अगर आपने नहीं चेक किया है तो उसको ज़रूर चेक करिएगा। तो इसमें देखिए पान का पत्ता होता है, इस पर स्वास्तिक होता है, लौंग होती है, सुपारी होती है, इलायची होती है, बताशे होते हैं और कमल गट्टा होता है, हल्दी की गांठ होती है, अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं। तो मैं दिखा दूँ यहीं से, ऐसे दिखा दूँ घुमा दूँ। उसके बाद हमारे यहाँ जो नौमी पूजी जाती है, किसी किसी के यहाँ मतलब सब्जी पूड़ी से पूजी जाती है, हमारे यहाँ अठवाई बनती है ना, अठवाई बोला जाता है, पूड़ी प्रॉपर बड़ी वाली पूड़ी नहीं बनती, पूजा वाली पूड़ी बनती है। और मीठा हलवा बनता है रवे का, और चने बनते हैं जो कि बिना प्याज लहसुन के होते हैं। इनफैक्ट इसमें सिर्फ हरी मिर्ची होती है और जो कि मसाला जीरा पाउडर और सौंफ पाउडर होता है वही होता है। तो ये हमारे यहाँ ज़रूर बनाई जाती है और 21 के जोड़े में है ये। बगल से रखें और धूप दीपक हटा दें वो, हाँ ये आश्विनी लोटा ऊपर रख दें। फल दिखा दें, फूल डाल दीजिए बस। और नौमी वाले दिन चूंकि समय मिला नहीं मुझे कुछ बनाने का, तो नौमी वाले दिन हम यही भोग लगाएंगे। मैं थोड़ी सी मिठाई बना नहीं पाई, मैंने आपसे कहा मेरी व्यस्तता बहुत चल रही है तो मैं मिठाई नहीं बना पाई। तो इसमें नारियल के लड्डू हैं और पेड़े हैं जो कि व्रती भी खा सकता है, कोई बहुत बड़ी समस्या है इसमें नहीं। फल ले लें, दो जगह रखे होंगे, एक जगह और है, एक जगह और है, दो जगह हैं। यही रख दीजिएगा, हाँ बोले लें कौन। पंचमेवा यहाँ रख दें पान के पीछे हम। तो इस तरीके से हमने भोग दिखा दिया। अब हम आचमनी करेंगे, आचमनी करने के बाद माँ का जो है वो मुख शुद्धिकरण करेंगे। तो ये सारी चीजें हम जो है वो जल के द्वारा करेंगे। तो पहले पानी ले लें, फूल वाला डालें और 3 बार ऐसे ही हम जो जल दिखा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नज़दीक से सब चीज़ें दिखा दूँ। हाँ और इसके बाद हम माँ की मुख पोछी करते हैं। तो आपके पास कोई कपड़ा हो तो आप उससे जो है वो मुख पोछी करना, वो लाल रंग की पड़ी हुई है कपड़ा। तो ये दोस्तों हमारा जो है नौमी का पूजन था। मैं आपको इसे क्लोजअप से तो मैं दिखा चुकी हूँ, ऐसे दिखा दूँ तो देखिए ये तो हमने लगाया था इनका सिंहासन, ये बैठी हैं हमारी देवी जी, बहुत सुंदर लग रही हैं। और इस समय मैं आपको जो कुछ भी दिखा रही हूँ बहुत नेचुरल लाइट है, सिर्फ जो है एक ट्यूबलाइट चली, एक वाइट लाइट चल रही है, सब नेचुरल लाइट में है। तो इस तरीके से हमने अपने नौमी के पूजन को पूरा किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कैसे गए नौमी के व्रत मुझे सब लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता दूं। तो इसके बाद का प्रोसेस ये है कि अब हम सीधा जाएंगे हवन करने के लिए। हवन करने के बाद हम मंदिर में आएंगे, मंदिर में आने के बाद हम देवी जी की आरती करेंगे। आरती करने का जो हमारा संकल्प है उसको खोलेंगे, और जो संकल्प के बगल में आपको नारियल दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये जो नारियल आपको दिख रहा है
इसे फोड़ के इसका जल हम थोड़ा सा देवी जी के ऊपर चढ़ाएंगे और जो जयंती रखी इसमें चढ़ाएंगे और माता जी से हम प्रार्थना करेंगे, जो भी पूरे 9 दिन के व्रत में हमसे गलतियां हुई उनके लिए क्षमा मांगेंगे। अच्छे स्वास्थ्य अच्छे भविष्य की कामना करते हुए हम फिर अपने सभी देवी देवता जो है उनको हिला देंगे ताकि हमारे व्रत का जो है वो पूर्ण हो गया। हम संकल्प खोल के इनको हिला देंगे ताकि सब अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर सकें और उसके बाद जो दीपक है इसको निकाल के हम तुलसी जी के पास रख देंगे, ये अपने आप शांत हो जाएंगे, इनको फूंक मार के शांत करने की आवश्यकता नहीं है। और जो प्लेट है इसे हम बाहर रख देंगे तो बकाए के बाद में जाएंगे विसर्जन के लिए और देवी जी जो है वो अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा कभी भी ऐसा नहीं करना है कि नवमी का पूजन कर लिया आपने, अब आपने व्रत का पारण भी कर लिया और आपकी सब सामग्री देवी जी अपने स्थान पर बैठी है, ऐसा नहीं है। उन्हें आप एज इट इज अपने स्थान पर पहुंचाएं जहां से आपने विग्रह निकाल के अपना दरबार बनाया हुआ था, दरबार नहीं बनाया था जहां पे आपने पूजा की थी वहां पे भी साफ सफाई करके जो है फिर पुनः जो है वो विग्रह को स्थापित कर दें। और पारण की जो विधि है वो मैंने आपको बताई है कि तुलसी का पत्ता इलायची दाने से हम पारण करते हैं गायत्री मंत्र का जप करते हुए। पूर्ण विधि में 108 बार हम एक माला गायत्री मंत्र की करते हैं, नहीं हो पाती आपसे तो आप 3 बार भी कर लेंगे तो इनफ है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो हमें पसंद आई होगी। अच्छा, विसर्जन की वीडियो अगर किसी को देखनी हो तो अपलोड है तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब चूंकि धीरे धीरे वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं मिलती हूँ विद नई वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई लाइक कर लें, चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और आप हमारे न्यू चैनल नखरीली शिवा पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करती रहती हूँ और अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टा पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।